हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको लेकर आ गई हूँ आज अमीनाबाद की बाज़ार, जहाँ पर मिलते हैं आपको हर तरह के कपड़े, जूते, सैंडल, आपको टॉप्स मिलते हैं, जितने भी आप वेस्टर्न टॉप पहनते हो, लेगिन मिलती है, जेगिन मिलती है, जीन्स मिलते हैं, पजामे मिलते हैं, कुर्तियाँ मिलती हैं, कुर्तियों के सेट मिलते हैं, इसके अलावा घर का जितना भी ज़रूरी सामान है। तो मैं आज की वीडियो में जो कवर करने वाली हूँ, वो कवर करने वाली हूँ आपके सैंडल्स की शॉप और ज्वेलरी का कलेक्शन। यानी अभी ईद आ रही है, तो ईद में आपको चाहिए होंगी बहुत सारी ज्वेलरी का कलेक्शन, या फिर आप अपने फुटवेयर या सैंडल वगैरह की शॉपिंग कर ही रहोगे। तो मैंने इससे पहले की जो अमीनाबाद की लास्ट वीडियो डाली है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैंने कुछ जूतियों का कलेक्शन से शेयर करा है, और इस वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भैया बताएंगे उसे सुनते ज़रूर जाइएगा। चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी आएंगी आपके साथ अब, क्योंकि ईद आने वाली है। मैं सारा लेटेस्ट कलेक्शन कवर करूँगी, क्योंकि ड्रेस वगैरह अभी तक आप लोगों ने सिलवा भी ली होगी और सिल भी चुकी होगी आपकी। ईद का कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको घर में भी ज़रूरत होगी, वो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी, चाहे उसमें वो क्रॉकरी हो या फिर आपका जो भी ज़रूरत का सामान हो। तो इस वीडियो में मैं ज्वेलरी का कलेक्शन सारा कवर करने वाली हूँ। जो भैया लोग बताएंगे वो सुनते जाइएगा। तो ये रिजवान गेट है, रिजवान गेट में आपको सीधे हाथ, उल्टे हाथ पे अगर आप आते हो या सीधे हाथ पे, बस किसी से भी आपको पूछना है, रिजवान गेट जहाँ पर जूते वाली शॉप लगती है, यहाँ पर हर तरह की शॉप्स आपको मिलेंगी। मतलब एक नहीं, आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं, तो इस तरह से बहुत लगी हुई हैं। आप कहीं पर वहाँ पर भी जा सकते हो, कुछ भी आपको लेना है, नागरे, जूते, सैंडल, हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये हमेशा लगती है, यानी मंडे टू संडे हमेशा लगती है। थर्सडे वाले दिन हो सकता है ये बंद हो, थर्सडे वाले दिन इधर की गलियाँ जो है बंद रहती हैं। तो मैं इस शॉप पर भैया की लाई हूँ आपको, जहाँ पर लेटेस्ट कलेक्शन आया। तो ये सुनते जाइएगा जो भैया बता रहे हैं क्या प्राइस है इनका। प्राइस है क्या इनका, प्राइस है क्या, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी रहेगा जो आएगा, कितना परसेंट होता है? थोड़ा सा कम कर देते हैं हम लोग, लगभग फिक्स नहीं है लगभग, फिर भी मतलब 10, 20, 30 थर्टी फोर्टी हो जाएगा, 30-40 हो जाएगा। स्टार्टिंग कितने से भी है आपके यहाँ? 550 से ही स्टार्टिंग है। अच्छा, ये न्यू पैटर्न कुछ है, इनका क्या है प्राइस? ये भी 550 में है, ये 350 लाइट। और सामने मार्केट डेली के लिए भी है, महाराज का सम्मान भी है। इस तरह में क्या रेंज आती है? 550 ये भी लगेगी, ये भी लगेगी 550। ये देखिए लाइट, देखिए इधर पूरी रोक हमारी है, ब्लैक में तो कलर नहीं आ रहा है। डेली वेयर के लिए भी हैं, ये कलेक्शन कुछ न्यू है, ये वाइट में भी है और ये भी है, ये रिपल है। ये भैया की शॉप है, ये कौन सी जगह? मुमताज, ये रिजवान गेट है। नहीं, जैसे ये कौन सा? अच्छा, ये है इसके जस्ट इधर है भैया की ये शॉप है, ये सारा कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जब आप रिजवान गेट से बिल्कुल सीधे चलते हुए अंदर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं, जिसमें ज्वेलरी की शॉप भी है। अगर आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो आपको मिलता है गड़बड़ झाला, और राइट साइड की साइड में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं। तो उनमें भी ये सामने की तरफ मुझे कुछ शॉप नज़र आ रही थी जो ज्वेलरी की थी। इसके अलावा मैं एक शॉप और कवर करूँगी इसी वीडियो में, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। यानी यहाँ पर जितना कलेक्शन था वो एडी का था, तो इसमें आपको, यानी आपको अमेरिकन डायमंड्स जो होते हैं इस तरह से आपका जो रहता है, और ये कलेक्शन बहुत प्यारा था, तो मैंने आपको कुछ इस तरह से दिखा दिया है। तो इस टाइम पार्टी, फंक्शन, शादियों के लिए ले सकते हैं आप, किसी को देने के लिए भी ले सकते हैं। कुछ कलेक्शन भैया मुझे इस तरह से बता रहे थे, आप सुनते जाइएगा। थोड़ा सा
अगर ओपन हो जाए तो कर दीजिए, इनका प्राइस बता दीजिए आप। ये है आपका एडी का अमेरिकन डायमंड का, ये 750-800 रुपये से स्टार्टिंग हुई आपकी। बाकी ये जो लगा हुआ है 2850 का है, वो वॉल आपका 2000 के आसपास का, वो भी सब एडी लगा हुआ है, पूरी लाइन एडी की लगी है अमेरिकन डायमंड। इयररिंग्स का, इयररिंग भी जो है वो छोटे साइज में, जैसे ये स्टाइल है आपका, ये 250-350 रुपये स्टार्टिंग है आपकी, बाकी इसमें 800-900 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है बड़े वाले। और ये जो फुल साइज ये जो है, ये सर ये सब ये 650 है, ये थोड़ा 1000 के ऊपर है रेंज लगे, 1000 प्लस की रेंज लगी, थोड़ा अच्छी क्वालिटी सबसे ऊपर दुल्हन सेट है, हाफ ब्राइडल फुल ब्राइडल। इनका क्या रेंज आ रहा है? इनका 2000 के आसपास की रेंज स्टार्टिंग है, 1800-1700। इसके अलावा ये है सारे इयररिंग्स है, और ये सेट्स लगे हैं आपके थोड़ा सा ऊपर इस तरह से, यहाँ पर है चोकर सेट भी मिल जाएंगे, और ये इस तरह के जो सेट है ये क्या क्या प्राइस होगा इनका? 450-450 बाकी बैंगल सेट्स हैं, इनका क्या प्राइस होगा? इधर जो भी ये लगे हैं बेटा 100 रुपीस में है, कोई ये 100 में कोई भी है, फोर पीस का सेट है 100 रुपीस। ओके ये 4 पीस मैम। तो भैया की ये शॉप है लवली ज्वेलरी करके, तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भैया टाइम क्या है यहाँ पर ओपन का? जैसे भी ये सेट है थोड़ा आप हमें दिखा देंगे तो आइडिया लग जाएगा। इस टाइप में आते हैं, इन्हीं को डिस्प्ले किए जाते हैं निकाल निकाल के। ओके ओके, अलग है ये सब चीज़ें आती हैं, इनके कलर्स आते हैं, एक डिज़ाइन के कलर्स बहुत सारे आते हैं। इनकी क्या स्टार्टिंग आपने बताई है? बाकी तो पेपर सेट आते हैं, स्टार्टिंग क्या है इनकी? ये वाले, ये इसमें जो मोती वाले हैं वो 550-650 से स्टार्टिंग है, बाकी इस टाइप की बहुत सारे सेट आते हैं डब्बी में। इनका क्या होता है? वैसे ये अलग रेट है, ये स्टार्टिंग में 550-650। ओके, सारा कलर। अच्छा ये बैंगल्स में क्या होगा? लेडी के हैं ये, अमेरिकन डायमंड पे हैं ये, थोड़ा सा आप ऊपर से हमें दिखा देंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। ये इस तरह से बहुत हाई ग्रेड का एडी लगा हुआ है, गोल्डन का भी मेरे कलेक्शन दिखा दीजिएगा। गोल्डन क्योंकि आजकल सिल्वर का टाइम चल रहा है ना, ज़्यादा गोल्डन के आपको मिलेंगे, दिखेगा नहीं, सिल्वर ज़्यादा दिखेगा। ये नहीं, गोल्डन पे जो ये सिल्वर वर्क है ये ना, जी जी बाप जी, ये मैट पॉलिश कहलाता है, ये मैट लुक में है, इधर शाइनिंग लुक नहीं होगा, ये एथनिक लुक होता नहीं, ये तो बनारसी से आपका। भैया के पास जितना भी कलेक्शन था वो एडी ज्वेलरी का था, वो मैंने आपको दिखा दिया था, तो वो लवली ज्वेलरी करके शॉप थी वहाँ पर, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ आपको, ये आपने देख लिया है यहाँ पर भैया की ये शॉप पूरी यहाँ से लेकर लास्ट तक लगती है, गड़बड़ झाला के जस्ट अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पर आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको सेट्स मिल जाएंगे, चोकर सेट्स मिल जाएंगे, हैवी सेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पर ज्वेलरी का, आपको बैंगल्स मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का नंबर दे दूँगी, जिसको भी जाना है वहाँ पे जा सकता है, अपनी शॉपिंग कर सकता है, और यहाँ पर भैया का जो भी ये डिटेल्स आपको मैंने बता दी हैं, यहाँ पर भी मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ अगर किसी के पास कार्ड नहीं होता है तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि कहाँ कैसे जाना है, तो आप ध्यान दिया करिए वीडियो में ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। अब ये गड़बड़ झाला जहाँ पर है उसी के जस्ट अपोजिट में शॉप है, बाहर मैंने आपको शॉप का नाम भी दिखा दिया है, और यहाँ पर मैं कलेक्शन भी आपको दिखा दे रही हूँ क्या क्या कलेक्शन है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इस तरह से आपको सारे सेट, मतलब ज्वेलरी में जितना भी आइटम आता है, चाहे वो वेस्टर्न ईयरिंग हो, फंक्शन के लिए हैवी आपको ट्रेडिशनल चाहिए हो, या जैसे भी आपको चाहिए हो, सारी तरह की ईयरिंग, झुमके, बालियां, आपको हेयर एसेसरीज़ में अगर चाहिए वो सारी चीज़ें, चेन चाहिए,
बैंगल चाहिए, हैवी ब्राइडल ज्वेलरी चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। एडी सेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे गोल्ड प्लेटेड अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जितना भी आप देख रहे हो कलेक्शन, इस सब भैया का है। और लाइन से भैया की शॉप के बाहर, जैसे आप देख रहे हो भैया की शॉप का नाम मैंने बाहर से आपको दिखा दिया है, वहाँ से लेकर ये लास्ट तक आपको ये शॉप लगती है रोड तक। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको इस तरह से टीके वगैरह भी मिल जाएंगे, आपको ज्वेलरी भी, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये लास्ट तक है, इस तरह से यहाँ पर न्यू बिल्कुल डिज़ाइन आई हुई है। तो सब मैंने दिखा दी थी, मैं जिस टाइम पे गई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या था, स्टाफ की कमी थी। तो जिस शॉप पे मुझे, मतलब इनकी तीन चार लाइन से शॉप्स हैं भैया की, तो जहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा था मैं उससे थोड़ा बहुत प्राइस पूछ रही थी। रीज़नेबल प्राइस पे आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी इसको और अच्छे से, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं रमज़ान का टाइम है, ईद का टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम का इशू होता है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू देने के लिए वीडियो डाल रही हूँ कि आपको इस तरह से सारा कलेक्शन यहाँ मिलने वाला है। एक ही शॉप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, टीका हो, झूमर हो, झुमके हो, बालियाँ हो, जितना भी आपको हेयर वगैरह के लिए चाहिए होता है, शादी के लिए, शादी फंक्शन जितना भी आपका चलता है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से रिंग्स वगैरह भी मिल रही थी, इस तरह से सेट्स भी मिल रहे थे। तो जहाँ पर जो भैया लोग होंगे मैं वहाँ से पूछवा भी दूँगी आपको, तो आप सुनते जाइएगा कि क्या यहाँ पर प्राइस भैया बता रहे हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि देखिए इस तरह से यहाँ पर कलेक्शन आया हुआ है। और झुमकियाँ तो यहाँ पर बेहिसाब है, बेहिसाब आपको झुमकियाँ मिल जाएंगी, सेट्स तो बेहिसाब मिलने वाले हैं आपको, सारा कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा जितना भी आप वीडियो में देख रहे हो। तो शॉप का मैं जो डिटेल है, नंबर है, तो प्राइस बता देंगे। जी, जो झुमकियाँ इयर रिंग्स हैं जी, 750 का आपका जी मिनिमम स्टार्टिंग कौन सा है? 300 से स्टार्टिंग है। 300 से स्टार्टिंग है, यहाँ से कहाँ से? हाँ, ज़्यादातर तो इस तरह के हैं, 350 का है जी, 450 का है, 550 का है, ऐसे आएंगे। इसके अलावा फिर अलग अलग रेंज। और इस तरह से ब्रेसलेट वगैरह का क्या है? 180 का है। 180 का। और ये इस तरह में बाकी ये वाले हैं, 200 वाले भी हैं। 200 में एडी वाले महंगे होंगे, 8000 से स्टार्टिंग होंगे। अच्छा, 8000 से स्टार्टिंग होगी। और इनका ये जो ये सेट्स हैं, भारी वाले हैं, ये 1800-1500 ऐसे होंगे। 1800-1500। और ये वाले, ये जो है आपके, ये 450 का, 150 का, ये वाला 150 का, ये वाला 100 का, ये 100 का, ये 150। तो गाइज़, ये लाइन से भैया की ही शॉप है, ये जो आप देख रहे हो मैंने आपको दिखाया है, लखनऊ लाइफस्टाइल ज्वेलरी जंक्शन जो है आपका, इसकी लाइन से तीन चार शॉप्स आपकी हैं। जो गड़बड़ झाला आपका है उसके उल्टे साइड में, यानी अपोजिट साइड में आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैं इसका कार्ड अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगी। और इनकी अपनी एक वेबसाइट भी है, इनका नंबर भी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, जैसे आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो वैसे ही गूगल करके अगर उनकी वेबसाइट डालोगे तो आपको उनकी ज्वेलरी का सारा डिटेल और भी मिल जाएगा। तो देखिए, आपको भी समझ सकते हैं इतना सारा इनके पास कलेक्शन है। मैं वीडियो इसीलिए बना दे रही हूँ कि आपको इतना सारा कलेक्शन समझ में आ जाए कि आप अगर इनके यहाँ पे जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको ज्वेलरी के लिए शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर सारा ही सामान आपको मिलेगा, एक ही जगह पे आपको सारा सामान मिलने वाला है। गाइज, वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और लास्ट में मैं भैया का कार्ड भी आपके साथ मेंशन कर देती हूँ। और जो चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ आने वाली हैं। और ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरी वीडियोस पे जैसे आपने अभी तक दिया है, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। रमज़ान की वजह से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो रही है, टाइम का इशू हो रहा है, उसके बाद रमज़ान के बाद इंशाल्लाह सब आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करने वाली हूँ आपके साथ। तो ये देख लीजिए, मैं आपको जो वीडियो में दिखा रही हूँ आपको वीडियो से एक अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस, ये भैया की शॉप का कार्ड है और ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ शॉप का नाम। इसके अलावा भैया की शॉप पे, इस पे नंबर भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट जो है वो भी दी हुई है, शॉप का एड्रेस भी दिया हुआ है और QR आपको दिया हुआ है। आप इसे स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अमीनाबाद की तो वैसे भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।